नमस्ते एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं हुड़का डिजाइनिंग के बारे में कि हुड़का को अलग अलग ढंग से कैसे यूज करें हम। सो इसके बारे में हम आज सीखेंगे। कोई ये बीट मेकिंग सेशन नहीं है, हम किसी और वीडियो में आज सीखेंगे विस्तृत से, लेकिन आज हुड़का के बारे में हम जानते हैं। और प्लीज आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज आज बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएंगे, बिकॉज मैं हमेशा से ही मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ताकि और भी अच्छे अच्छे मैं ट्यूटोरियल बना सकूँ, मुझे अगर मोटिवेशन मिले तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो कुछ करने से पहले, जैसे कि हमारे पास एक रिवाज है कि हम एक बार माँ को याद करते हैं, तो चलिए एक माँ के लिए कुछ मैं गाता हूँ, उसके बाद ट्यूटोरियल शुरू करेंगे हम। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने एक किक ले लिया है जो इस तरह है। मैंने एक बार में इसको सजा दिया है हर बीट पे। और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं कि मैं लूंगा स्वर प्लग, जो कि स्वर प्लग ये है मेरा, ये स्वर प्लग मैंने लिया। और देखिए, ऐसे मैं आपको बता दूं कि आपके पास बहुत सारे सैंपल पैक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हैं, राइट? तो आप किसी और के भरोसे क्यों रहेंगे कि वो मेरा डिजाइन करके देगा? आप खुद क्यों नहीं कर सकते इस चीज को? सो मेरा मोटिव है कि आप जो दूसरे पे जब आश्रित रहें वो खुद पे आश्रित हों, आप खुद से ही ये सारी चीजों को करें। सो इसलिए मैं इन चीजों को करते रहता हूं। तो मैं गया यहां पर और ये जो है टूड करके जो है इसको मैंने यहां से लिया, करेक्ट? और इसको लेने के बाद मैं क्या करूंगा कि ऑलरेडी मैंने क्लिक किया, यहां पे डबल क्लिक किया तो इस तरह से मेरा सेलेक्ट हो गया यहां पे। मैं कीबोर्ड से नहीं बजाऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं कौन सा स्केल प्रेस कर रहा हूं, दूसरी बार लेटेंसी की भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे दिक्कत होगी इस चीज पे, राइट? तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग डिजाइन करके मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं यहाँ पे जो आप जब ओपन कर लेंगे स्वर प्लग, तो आपका जो ये नोट जो दिखाई दे रहा है, ये नोट मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, ये जो इफ का जो नोट है ना, ये इफ ये वाला, यानी आपका ये ऑक्टेव है, फर्स्ट ऑक्टेव में ही है, C1 में ही आप इसको प्रेस करेंगे, शुरुआत में ही है। तो मैं क्या करता हूं, ये मैंने 1/16 ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है मैंने, करेक्ट? और मैं प्ले करके करता हूं ताकि आपको कुछ आइडिया मिले, राइट? किक मेरा बजेगा उसके बाद देखिएगा। मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ये मेरा नोट है किक, किक के जस्ट बाद मैंने इसको लिया, किक बजा, उसके बाद मैंने यहां पे एक छोड़ा है गैप, फिर यहां पे लिया मैंने, आप देखिए कुछ इस तरह से मैंने किया हुआ है। ये मैंने 1/16 लिया यहां पर। अब यहां पे मैं गया, मैंने
ये नॉर्मल सा हुड़का है जो सब लोग अभी यूज कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा है। इसके साथ अभी हम खेलेंगे, देखिएगा। अब आपको करना क्या है, अब देखिए जो मेन चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब इसके साथ कैसा लग रहा है। अब आप इसको वेव फाइल में एक्सपोर्ट कर लीजिए। आप जब हुड़का का डिजाइन करें तो तीन चार ढंग से आप बनाएं और तीन चार ढंग के एक बार आप वेव में कन्वर्ट कर लें। जैसे मैंने इसको क्या किया कि इसको सोलो करता हूं और जाके इसको एक बार मैं कन्वर्ट कर लेता हूं वेव में। चलिए मेरा हुड़का यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई लोकेशन में दे देता हूँ कुछ भी। ये चलिए मैं इसमें दे देता हूँ हुड़का, ठीक है। अब मैं इसको डी में कर दिया और इसको मैं पुल में और ऑडियो ट्रैक में लेता हूँ और मेरा ऑलरेडी है। अब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ इसको। सो ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका इसका इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरी। अब इसको मैं हटा सकता हूँ। अब इसको एक्सपोर्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि इसको एक डुप्लीकेट लीजिए, सॉरी ये हट गया, एक इसको मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट लिया मैंने और डुप्लीकेट करके क्या करूँगा कि एक जो है मेरा, इसको मैं एक ऑक्टेव ऊपर कर दूंगा। आप ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ स्टेरियो में, क्योंकि मैंने इसको लिया है। आप स्टेरियो मोनो अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में बता दूंगा। ये मेरा स्टेरियो था, ये भी मैंने जो वेव का जो मैंने एक्सपोर्ट करती है स्टेरियो में था। अब इसको क्या करूंगा कि इसलिए मैंने जो इफेक्ट लिया स्टेरियो इफेक्ट लिया साउंड पीस शिफ्टर, मैं इसको 12 सेमीटोन यानी एक ऑक्टेव मैंने ऊपर कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आप सुर लेते हैं तो अगर C1 पे है तो C2 पे मैंने कर दिया, दैट्स इट, यही चेंजेस करी। उसके बाद सुन के देखते हैं इसको कि कैसा लग रहा है ये। ठीक है, ये एक सुर ऊपर कर दिया। अगर मैं चाहूं तो एक सुर इसको नीचे करने के लिए सीधे आऊंगा नीचे, 12 सेमीटोन मैंने नीचे किया, अब एक सुर नीचे हो गया ये। सो कुछ ऐसा साउंड कर रही है। और मैं इसको ऊपर ही रखता हूं एक सेमीटोन और मैं इसकी वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा खेलूंगा। अब देखते हैं, हल्का सा रखेंगे, ये ऐसा लग रहा है कुछ। एक चीज और हम कर सकते हैं यहां पे, मैं आपको बताता हूं, ये जो है ना एक को लेफ्ट में हल्का कर देते हैं, एक को हल्का सा राइट में करते हैं। अब कैसा साउंड कर रहा है। सो आपने देखा, मैं एक बार दोबारा सुना देता हूं। तो जब मैंने इस तरह से किया तो इसका जो है कि कुछ अलग ही निकल के आया। तो हम इस तरह से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हो गया, एक डिजाइन आपने देख लिया, एक नॉर्मल सा था ये। मैं अब दूसरी जगह एक किक लेता हूं और मैं एक और हुड़का डिजाइन करता हूं। अब देखिए कितना आसान है, अगर आपने वे में कर दिया, आप जहां लगाना है वहां पे पेस्ट कर दीजिए, जहां नहीं लगाना है वहां पे हटा दीजिए। इट्स वेरी इजी वे, ओके। अब आते हैं हम यहां पर और एक अलग ढंग से कुछ करते हैं हम। तो अब देखिए मैं करता क्या हूं इसमें। तो मैंने ऑलरेडी स्वर प्लग का ये ले रखा है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, पियानो रोल में जाता हूँ जिसमें हम नोट जो अपना मेलोडी बना सकते हैं। अब इसमें जाके मैं करता क्या हूँ, जो नोट मैं प्रेस करूँगा उसको देखिएगा। अब मैं अब हुड़का ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग ढंग का है जो अक्सर आपने सुना होगा। तो मैं यहाँ पे गया, 1/16 ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मैं ये करता हूँ एक, क्या बना ये मेरा, पहले यहाँ पे मैं लूप बना दूँ, आप देखते रहेंगे। मैं इसको एक नोट ऊपर ले जाता हूँ, सो मैं आप
देखा आपने, अब मैं कुछ और भी करता हूँ इसमें। अब क्या बना? ओके, और मैं एक नोट ई का लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए क्या बनता है ये। अब आप सुनिए, अब क्या बनाए, सिंगल सुनते हैं। ये इस तरह का अब बन गया है। अब ये जो हुड़का चल रहा था, अब उसमें आप वेरिएंट जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये चल रहा था हमेशा, अब उसके साथ अब ऐसा भी अब चलने लगेगा आपका। अब सुनते हैं पूरा। सो यू कैन प्ले विद द नोट्स, जितने भी नोट हैं आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप एक ही चीज लगा रहे हैं, उससे बेहतरीन है कि आप कुछ अलग अलग इसमें वेरिएंट दें, कुछ अलग अलग आप इसमें एक्सपेरिमेंट करें। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं एक नोट लेता हूं मैं, तो आप फिर देखें कि मैं इसमें क्या चेंजेस करता हूं। इसको इस तरह छोड़ते हैं। अब ये थर्ड वाला है, सो ये मेरा नोट है, मैं एफ वाला, एफ ये है मेरा नोट। मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये नोट शो कर रहा है, ये सॉरी एफ, मुझे एफ चाहिए। सो ये हो गया मेरा एफ वाला, थोड़ा ऐसे साउंड कर रहा है, देखेंगे आप। सॉरी, और ई वाला, मैं क्या करता हूं, पहले आपको ये करना होगा, ई वाले नोट्स पे खेलना होगा। अब देखिए कैसा बन रहा है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास कितने तरह के हुड़के हो गए हैं। देखिए तीन तरह का, एक तो हमने क्या किया, एक सिंपल में बनाया इस तरह का सिर्फ, राइट, सिर्फ दो नोट से हमने बनाया था। इसमें क्या किया था, हमने सिर्फ दो नोट लिया था। इसमें हमने कुछ इस प्रकार से बनाया, किक को हटाते हैं हम, इसका साउंड। अब इसमें हमने क्या चेंजेस करी है वो हम देखते हैं। सो इस तरह से हमने करी, हम वीलोसिटी के साथ खेल सकते हैं। ये जो मैंने ये नोट है, थोड़ा सा कम इसकी वॉल्यूम कर दिया, इसको ऐसे किया मैंने। तो हम इस तरह से खेल सकते हैं। अब बात रही कि अब इसमें अगर थोड़ी सी अगर हमें और जान डालनी है, तो हम इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग वगैरह कर सकते हैं। मिक्सिंग का मतलब ये हुआ, मैं क्योंकि मिक्सिंग का ट्यूटोरियल नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पे कोई भी एक जो है इक्यू ले लेता हूं, जिसमें लो कट कर दूंगा। चलिए मैं फे फिल्टर का ही ले लेता हूं। अब मैं प्ले करके अब क्या करूंगा, इसको मैं प्ले करता हूं। अब इसमें मैं यहां पे गया और प्ले होने दीजिए, तो ये लो फ्रिक्वेंसी मैं यहां से काट देता हूं, कट कर देता हूं, क्योंकि यहां पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं हाईज भी काटना चाहूंगा, हाई कट करता हूं। थोड़ा सा मैं बूस्ट करूंगा, मुझे
मुझे यहां पे कुछ साउंड अच्छा लग रहा है। अब देखिए इक्यू और इक्यू से पहले अभी नहीं ला, बाईपास किया था मैंने, अब इसको लगाता हूं। करेक्ट, तो काफी शाइनिंग आ चुकी है। इक्यू कर सकते हैं इसको सही एक टोन देने के लिए मैं बोल रहा हूं। फिर हम कंप्रेशर लगा सकते हैं इसमें। अगर कंप्रेशर की मैं बात करूं तो चलिए मैं इसको लगा के दिखाता हूं। अब ये थोड़ा सा ड्राई साउंड कर रहा है, आई मीन एक सूखा सूखा सा लग रहा है। सो मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं एक बार रिवर्ब लगा देता हूं। सो इसमें हम रिवर्ब लगा देंगे। अगर कुछ इसमें इंप्लीमेंट करना चाहें तो हम यहाँ पे डीले का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है डीले का आपके पास, राइट। कुछ इस तरह से अगर वेरिएंट चाहिए आपको तो डीले भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन सिंड में यूज करेंगे हम, यहाँ पे यूज करेंगे एक सिंड बस, मतलब यहाँ पे हम बना लेंगे और जो भी ये इफेक्ट्स अगर हम कुछ भी लगाएंगे तो सिंड में हमें यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और आपको एडिशनल बताना चाहूंगा। प्लीज लंबी वीडियो हो जाएगी, बिल्कुल हबड़ाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप घड़बड़ा जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप जब कुछ भी बना लेंगे तो पैनिंग करने मैंने बता दिया, थोड़ी बहुत अगर मिक्सिंग आती हो तो कर दीजिए, नहीं तो रिवर्ब डिले हल्का सा लगा दीजिए। मैं किसी और ट्यूटोरियल में इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, राइट। अब आपके पास ये वेरिएंट हो गए तो अब आपको क्या करना है, ये अलग है ये अलग है, तो आप जिस तरह से इसको मैंने एक्सपोर्ट किया है, इसको एक्सपोर्ट करके एक जगह रख लीजिए, एक्सपोर्ट करके एक जगह रख लिया। अब आपके पास ये सारे मान लीजिए इतने सॉन्ग है पूरे, यहाँ पे आपने रखा हुआ है पूरी सारी सारी चीजों को। अब जहां इसको मैंने वहां पे इसको लगा दीजिए, जहां इसको मैंने वहां पे लगा दीजिए, जहां पे खाली रखना है वहां पे खाली रखिए। ये काफी इजी प्रोसेस रहेगा ये, आपको बिट बनाते समय, करेक्ट। ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एक प्योरिटी का जो साउंड है, कुछ और भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक प्योरिटी का मैं यहाँ पे, ये है मेरा, ठीक है। इसमें मैं गया और इसमें जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसमें होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक किट सेलेक्ट करता हूँ मैं। इसमें भी एक हुड़का है जो एक आप सुनेंगे, उसका मैं सुना देता हूँ आपको। देखिए अब ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि किस नोट पे है ये, आप ये यहां पे है ये, तो ये भी काफी बेहतर है अगर आप चाहें जोड़ना उसके साथ। ये नोट है मेरा एफ, यानी ऑक्टेव 0 वाले में है ये, सबसे नीचे मिलेगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब कि जब ये आप कर रहे हैं, आप ये बना रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वेरिएंट देने के बाद, मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए प्ले हो रहा है, देखिए ज्यादा अच्छी तरह से प्ले नहीं हो पा रहा क्योंकि लेटेंसी आ रही है। क्योंकि मैं ऑडियो इंटरफेस नहीं यूज कर रहा इस रिकॉर्डिंग के लिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं अभी करता हूं, अभी रुकिए। तो मैं करता क्या हूं कि एक ये जो नोट है मेरा, ये जस्ट उसी तरह कर रहा हूं जिस तरह से मैंने पहले प्ले किया था, और दोनों को, ये जी नोट नहीं है, ये मैं, ये है ये, करेक्ट। अब मैं इसको और इसको लेयर करके दिखाता हूं मैं आपको। तो जो ये वाला नीचे वाला है ना मेरा ये, क्योंकि यहाँ पे हमने साधारण नोट यूज करी थी, तो हम चाहे तो यहाँ पे इस चीज को लगा सकते हैं। आप एक बार करके देखते हैं। मैं यहाँ से पहले इफेक्ट को हटाता हूँ क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स हुआ नहीं है, तो आइए सुनते हैं एक बार। इसको मैं हटाता हूँ जो लेयरिंग की थी।
और भी हुड़का जो है मेरा एक फ्लावर की तरह खिला हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्योरिटी को भी आप यूज कर सकते हैं हुड़का बनाने के लिए, और दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जिस तरह से मन है उस तरह से बनाइए, हल्का फुल्का उसको मिक्सिंग कर दीजिएगा, काफी बेहतर हैवी हो जाएगा ये, राइट। आप EQ लगा दीजिए, कंप्रेशर लगा दीजिए, थोड़ी सी सैचुरेशन उसमें लगा दीजिए, करेक्ट, और रिवर्ब डिले थोड़ी बहुत लगा दें, ये खुद ही खिल जाएगा। आपको कहीं, आप अगर कहीं फोन कॉल कर रहे होंगे कि मुझे हुड़का का वो सैंपल पैक दे दो, तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने बहुत लेमन तरीके से इस चीज़ बताई है आपको, आई होप कि इजिली समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि एक दो वीडियो आने के बाद मैं एक कंप्लीट बिट बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों के लिए कि किस तरह से करना है। सो उसको देखने के बाद और भी आपको इजी हो जाएगा कि बीट बनाने के लिए आप आसानी से आप बना सकेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।